जिनकी भी हम पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, उसके पहले उनका ही, जिन देवों की पूजा करते हो, घर में किसी को इष्ट बनाया है तो उस पूजा के पहले उनके कवच का पाठ करके ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि दूसरे देवता उसमें विघ्न करने आते हैं। उन देवताओं की रक्षा के साथ जब पूजा करेंगे तो वो कार्य सिद्ध होगा। महालक्ष्म्या प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वकामदम् सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट व्याधि विनाशनम। महालक्ष्मी का ये कवच सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सर्व पापों का नाश करने वाला है, दुष्ट व्याधि रोगों का शमन करने वाला है। ग्रह पीड़ा प्रशमनम ग्रहारिष्ट प्रबंजनम दुष्टम मृत्यु प्रशमनम दुष्ट दारिद्र्य नाशनम। ग्रह पीड़ाओं को, नवग्रहों की कोई भी पीड़ा हो, इस कवच पाठ को करने से नवों ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो और किसी ग्रह का दुष्ट दृष्टि हम पर पड़ता हो तो वो दृष्टि का शमन हो, और अपमृत्यु लिखा हो, एक्सीडेंट में मरना, आग लगा के मरना, फांसी खा के मरना, दुष्टम मृत्यु प्रशमनम, इसको कोई सुनता है तो उसका अकाल मौत नहीं मारता है, वो बड़ा ही दीर्घायु बन के पूर्ण आयु बन जाता है। दुष्ट दारिद्र्य नाशनम, कोई दरिद्रता हो, आप में कई लोगों को दरिद्रता सताती रहती है, कितना भी मेहनत करो ना दरिद्र ही रहते हैं, ये दरिद्रता का नाश भी इस कवच से होता है। और किसी भी पूजा को शुरू करो उसके पहले उन देवताओं का कवच करना चाहिए जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। आज हम किनकी पूजा कर रहे हैं, किनकी? कुबेर महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी का ये कवच अनिवार्य है, करने जैसा है। कैसा है? तो अब इसको पुत्र पौत्र प्रजननम विवाह प्रदम इष्टदम। पुत्र पौत्र देने वाला, अपनी इच्छा अनुसार विवाह कराने वाला, ऐसा नहीं, विवाह प्रदम इष्टदम, अपने इच्छा अनुसार उचित स्थान में विवाह कराने वाला। चोरारिहारी च जगताम अकिलेप्सित कल्पकम। चोरी ना हो उस घर में जहां ये कवच का पाठ किया जाता है। चोरारिहारी याने उस घर में कभी कोई चोर घुस के धन नहीं ले जाता, वहां लक्ष्मी उस धन की रक्षा करती है। सावधान मना भूत्वा श्रुणुत्मं सुख सत्तम अनेक जन्म सिद्धि लभ्यं मुक्ति फल प्रदम धन धान्य महाराज्य सर्व सौभाग्यदायकम सत्कृत स्मरण मात्रेन महालक्ष्मी प्रसीदते क्षीराब्धि मध्ये पद्मानां कानने मणिमंडपे। क्षीर सागर के मध्य में देवी कहाँ रहती है? क्षीर समुद्र के मध्य में विशाल पद्म वन में, कमल पुष्पों का बहुत बड़ा वन खिला हो, उसमें मणि मंडप में जो रत्न सिंहासन पर विराजमान है, ऐसी माँ जिसकी मनीषी नाम सेविताम, जो पंडित विद्वत जन सेवा करते खड़े होते हो, रत्न सिंहासने दिव्ये तन्मध्ये सुस्थिताम देवी मनीषा जन सेविताम सुस्नादाम पुष्प सुरभि कुटिलालप कंदकाम पूर्णेन्दु बिंब बदनाम अर्ध चंद्राल लाटिकाम। ललाट पर जिनका आधा चांद खिला हो ऐसी लक्ष्मी, अर्द्रचंद्रा ललाटिकाम, ललाट याने क्या है? भगवती ललाट पर जो रत्न मुकुट धारण की है उस मुकुट पर आधा चांद खड़े हो करके सुशोभित हो रहा, ऐसे चंद्र बदना महामाया। इंदी बरेक्षणाम काम को दंड ब्रुवमीश्वरीम तिल प्रसव संवर्ति नासिकालंकृताम श्रियम कुंदकुट्मलंदाल बंदूकादर पल्लवाम दर्पणाकार विमल बोलद्विदयोज्ज्वलाम रत्नताटंग स्थलित कर्णद्विदय सुंदराम मांगल्यापरणो भेदाम कंबुकंठीम जगत्प्रियाम
हस्तारहारी मनोहारी कुचकुंभ विमूचितां रत्नांगादिललिकर्पणसुष्ट्यां कमले सुपत्राढ्ये ह्यभयं ददतिं रोमराजिकलचर्भुग्नभविदलोदरीं भक्तवस्त्रलसत्मुद्रासुतन्निभादिलक्षणां काञ्चनस्तम्भ विभ्राज भरजानूरुशोभितां स्मरकालिका गर्भहारी जङ्गां हरिप्रियां कमटीपृष्टशत्रुजपादाब्जां चन्द्रसन्निभां पङ्कजोदरलावण्यसुन्दराङ्ग्रारिदं श्रियं सर्वाभरणसंयुक्तां सर्वलक्षणलक्षितां पीतामहमहाप्रीतां नित्यतृप्तां हरिप्रियां नित्यं कारुण्यललितां कस्तूरीलेपिकाङ्गितां सर्वमन्त्रमयीं लक्ष्मीं श्रुतिशास्त्रस्वरूपिणीं परब्रह्ममयां देवीं पद्मनाभकुटुम्बिनीं एवं ध्यात्वा महालक्ष्मीं पठेत्तत्कवचं परम् एकं न्यच्यन्तिनक्षितं मम परमं साङ्कुञ्च्य पदाम्बुजं मध्ये विष्टपुण्डरीकमभयं विन्यस्तहस्तुभाम्बुजं त्वां यक्ष्येम निश्चेतु श्रीमनूकलङ्गारुण्यलङ्कारस्पाराङ्गभाङ्गतरङ्गमम्बमधुरं मुक्तं मुखं बिभ्रतिम्। महालक्ष्मी के महिमा का हमने ज्ञान लिया, अब महालक्ष्मी का शरीर में कवच करेंगे। कैसे? महालक्ष्मी सिरह पातु, मेरे सिर का महालक्ष्मी रक्षा करें। ललाटम मम पंकजा, पंकजा देवी लक्ष्मी रूपिणी मेरे ललाट का रक्षण करें। कर्णे रक्षद्रमा पातु नयने नलिनायया नासिकामबदादम्बा वासम्बाग्रूपिणी मम तन्नामवतु जिह्वां श्रीरतोष्टं हरिप्रिया, होट का हरिप्रिया रक्षा करें। नासिका वदादम्बा रक्षा करें, जिह्वा का भगवती महालक्ष्मी रक्षा करें। चुपुकं पातु वरदा कलं गन्धर्वसेविता वक्षः कुक्षिं करोपायं भ्रष्टमव्याद्रमाश्वयं कटिमूरुद्वयं जानुजङ्गं पातु रमा मम सर्वांगमिन्द्रियं प्राणान् पायादायासहारिणीं। सप्तदा शरीर में सप्त धातु है, कितने धातु हैं? एक धातु भी बिगड़ जावे ने कैंसर आवे, टीबी आवे, विभिन्न बीमारी आवे। माँ महालक्ष्मी धन मात्र नहीं देती, इस कवच से आरोग्य का भी रक्षा करती है। उस माँ को कहते हैं कि माँ मेरे खून का, किसका? रक्तम शुक्लम, मेरे वीर्य का, मेरे सप्त धातुओं का, मेरे ज्ञान का, मेरी बुद्धि का, मेरे उत्साह का सदा तू रक्षा करना पंकजवासिनी महालक्ष्मी। ऐसा बोल के सप्तदातुं स्वयं चापि रक्तं शुक्लं मनो नमः ज्ञानं बुद्धिं महोत्साहं सर्वं मे पातु पंकजा मया कृतं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं पातु सेन्दिरा ममायुरवदात् लक्ष्मी भार्यां पुत्रां च पुत्रिका मित्राणि पातु। देखो कितना सुंदर कवच है, दुनिया में ये एक ही कवच है। इस कवच में कहा जाता है कि मेरी भार्या का, मेरी पत्नी की रक्षा करना, पुत्रां च पुत्रों का रक्षा करना, पुत्री का रक्षा करना, मित्राणी, ऐसा कोई कवच हो तो मात्र लक्ष्मी कवच है। अपने दोस्तों की भी रक्षा की कामना इस कवच में की जाती है, पड़ोसियों की कामना। मित्राणि पातु सततम अखिलानि हरि प्रिया पातकं नाशयेत् लक्ष्मी महारिष्टं हरेत्रमा ममारिनाशनार्थाय मया मृत्युं जयेत् बलं सर्वाभीष्टं तु मे दद्यात् पातु मां कमलायलया। मेरे सर्व अरिष्टों का नाश करके, मेरे मृत्यु को विजय करके मैं अमृतमयी आयु आयुष्मान दीर्घ आयु प्राप्त करूं, ऐसी रक्षा करो माँ। और मेरी हर इष्ट को सर्वाभिष्टम तुम्हें दद्यात् पातु माम कमलालया, मेरे हर इष्ट को पूरा करो माँ कमलावती, हे महालक्ष्मी धनदात्री माँ मेरी रक्षा करो। य इदं कवचं दिव्यं रमाया प्रयतः पठेत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति सर्वरक्षां तु शाश्वतीं दीर्घायुष्मान् भवेन्नित्यं सर्वसौभाग्यकल्पकं सर्वज्ञ सर्वदर्शी
च सुकदश्च सुबोज्वलन् सुपुत्रो गोपती श्रीमान् भविष्यति न संशय तद्गृहे न भवेत् ब्रह्मण् दारिद्र्य तुरितीरिकादिकम् नाग्निना दह्यत्येतम् न चोराद्यैश्च पीड्यते भूत प्रेत पिशाचाद्या संद्रस्ता याति दूरत लिखित्वा स्थापयेत् यत्र तत्र सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् नापमृत्युमवाप्नोति देहान्ते मुक्तिमाग्भवेत् आयुष्यम् पौष्टिकम् वेद्यम् धान्यम् तु स्वप्ननाशनम् प्रज्ञाकरम् पवित्रम् चतुर्भिक्षाग्निविनाशनम् सिद्धप्रसाद जननम् महामृत्युप्रशान्तितम् महारोगज्वरहरम् ब्रह्महत्यादिशोदतम् महातनप्रदम् सैव पठितव्यम् सुकार्दिभिः धनार्थी धनमाप्नोति विवाहार्ति लभेद्वधूम् विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थि गुणवत् सुखं राज्यार्थी राज्यमाप्नोति सत्यमुक्तं मया सुखं एतत् देव्या प्रसादेन सुखकवचमाप्तवत् कवचानुग्रहणैव सर्वान् कामान् अपवश सर्वलक्षण सम्पन्नां लक्ष्मीं सर्वसर्वे सुरेश्वरीं प्रपद्ये शरणं देवीं पद्मभद्राक्षवल्लभाम् ॐ ह्रीं क्लीं सौः श्रियै नमः महालक्ष्मी रक्षतो प्रकृति रक्षतो हरिप्रिया रक्षतो रमादेवी रक्षतो कमलवासिनी रक्षतो पद्माक्षी रक्षतो पद्मप्रिया रक्षतो ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः